सचिन की जगह अगर अभी तक किसी सलीम के पास आ जाती तो हमारे देश की गोदी मीडिया उस सलीम को देशद्रोही, आतंकवादी, उसको ऊपर NSA, रासुका, न जाने कौन कौन सी उसके ऊपर IPC सेक्शन लगा दिए जाते। अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं होती है तो उसको भारत देश के अंदर आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। लेकिन जी सचिन की जगह अगर अभी तक किसी सलीम के पास आ जाती तो हमारे देश की गोदी मीडिया उस सलीम को देशद्रोही, आतंकवादी, उसको ऊपर NSA, रासुका, न जाने कौन कौन सी उसके ऊपर IPC सेक्शन लगा दिए जाते, कौन कौन सी उसके ऊपर धारा लगा दी जाती और उसको देशद्रोही साबित कर दिया था। फर्क इतना है कि वो सलमान के जगह सलीम की जगह उसका नाम सचिन। अगर वो सलीम होता या सलमान होता तो आपको अब तक पता चल जाता। जी भाभी, मेरी काय की भाभी आपकी भाभी होगी, मैं क्यों खुश होऊंगा? अरे भैया आप खुश होंगे, मैं क्यों खुश होऊंगा? वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाता है, मेरे घर से इंडियन आर्मी के अंदर है और हमारे भाइयों का खून बहाने का काम वो पाकिस्तान करता है, और हम वो पाकिस्तान से कोई हमारे देश में आएगा तो हम खुश होंगे, हैं? हम खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मौज शर्मा ने क्या कहा सीमा हैदर के बारे में, कि अगर सीमा हैदर किसी मुसलमान के पास आ जाती, किसी सलीम के पास आ जाती तो देखते खुद ही मीडिया का रिएक्शन। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या भारत का जो सपना देख, हाँ पूरा हो रहा। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, नहीं नहीं तो वो पाकिस्तान की जमीन कब जाकर यहाँ लेके आई है? आप कैसी मूर्ख, नहीं अगर हिंदुओं को लाएंगे, एक बात हिंदू हो गई, मेरी बात सुनिए। अभी मैं आपको बता दूं कि जनसत्ता ने एक प्रेस रिलीज करी है, जनसत्ता, जिसमें ये लिखता है कि एक और तो ये बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने 5वीं तक पढ़ाई करी है, ठीक है ना, और दूसरी और ये भी बताया है कि सूत्रों के हवाले से जनसत्ता ये लिखता है कि जब उससे ये कहा गया, इंग्लिश में उससे कुछ पढ़ाया गया तो उसने फटाफट इंग्लिश में पढ़ दिया। एक और तो आप कहते हैं कि वो 5वीं पास है, अगर 5वीं पास पढ़ा व्यक्ति इतनी बढ़िया फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल सकता है, कैसे पढ़ सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA करके आए हैं, उसके बाद दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद वो ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो सीमा हैदर कैसे पढ़ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। कौन वो जासूस है? मैं तो ये कहता हूँ हमें, और वो जासूस सोचे ना हो, हमें चाहिए ही नहीं भाई, हमें चाहिए ही नहीं। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते कि हमारे देश की मीडिया को कोई और काम तो है नहीं। ना देश की बढ़ती महंगाई नजर आती है, ना देश की बढ़ती बेरोजगारी नजर आती है। इस देश के अंदर नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं वो हमारे देश की मीडिया को दिखता नहीं है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, वो हमारे देश की मीडिया को नहीं दिखता। लेकिन सीमा हैदर को लेकर 5-5, 6-6 घंटे का कार्यक्रम हमारे देश की मीडिया चला रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल देश के सैनिकों से नहीं, ये सवाल देश की सरकार से है कि एक महिला भारत देश के अंदर एंटर कर जाती है अपने बच्चों को लेकर, और दूसरी बात ये कि उन बच्चों का आधार कार्ड भी यहाँ पर बना लेती है, तो आखिर कैसे वो अपने बच्चों का आधार कार्ड यहाँ पर बना लेती है, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि आप उस महिला के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिस महिला का चाचा और भाई पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत देश की सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा है उस महिला से? और वो लोग जो उसको अपनी भाभी बताने में लग रहे हैं, भौजाई बताने में लग रहे हैं, और बुड्ढे हैं तो अपने चचिया ससुर बताने में लग रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है इस बात को लेकर? बताइए ना आप मुझे कि एक और भारत देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है सीमा हैदर। और दूसरी बात ये कि आज हमें समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले कैसे होते हैं, क्योंकि अगर एक महिला पाकिस्तान से भारत देश के अंदर एंटर कर सकती है तो आप ये समझिए कोई आतंकवादी भी एंटर कर सकता है और हथियारों के साथ कर सकता है, जिससे भारत देश के अंदर एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के गृह मंत्रालय से कि देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, भारत देश की IB इंटेलिजेंस क्या कर रही है? दूसरी बात ये कि ATS ने जब सीमा हैदर से पूछताछ करी तो उसमें पता ये चलता है कि सीमा हैदर के पास में 4 मोबाइल फोन्स है, 4 मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर सिम भी है। जब मोबाइल फोन के अंदर सिम है तो सीमा हैदर को हॉटस्पॉट से बात करने की क्या जरूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर सिम है तो आप हॉटस्पॉट के जरिए बात क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई पर भी नहीं मार सकता भारत, तो आप देख लीजिए पर कहाँ मारा है, पूरी परी आ गई है यहाँ, तो ये तो भक्तों की परी है, भक्तों के लिए तो परी है। आप ये सोचिए हमारे देश की मीडिया ना तो महंगाई और बेरोजगारी को दिखा रही है, सीमा हैदर को लेकर 5-5, 6-6 घंटे का कार्यक्रम चला रही है कि सीमा हैदर क्या खाती है, सीमा हैदर क्या पीती हैं, सीमा हैदर की डांस की वीडियो, सीमा हैदर कैसे डांस करती हैं। और आप ये सोचिए कि वो
पाकिस्तान से भारत देश के उत्तर प्रदेश में आ गई। कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर के अंदर आते हैं और कश्मीर के अंदर आकर आतंकवादी हमले कर जाते हैं, जिसके कारण उन हमलों का जिम्मेदार कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को ठहराया जाता है कि कश्मीर के मुसलमान इस हमले में शामिल होते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर के अंदर जितने भी हमले होते हैं वो पाकिस्तान के द्वारा ही होते हैं। आज तक हमारे देश की सरकार हमारे देश की सरहदों की हिफाजत नहीं कर पाई है, सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई है। और मोदी जी का वो ड्रोन कहाँ है? तो सुरक्षित है ना? नहीं, कौन सी सीमा आई हुई है? आई हुई है ना, सीमा तो है। योगी जी से गुहार कर रही है नागरिकता की। एक बात नहीं, नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, अगर योगी जी को इतना ही नागरिकता देने का शौक है तो एक काम करिए, वो सीमा के साथ में सचिन को भी, उसको भी पाकिस्तान भेज दीजिए। क्यों रखेंगे हम? आप जाएंगे पाकिस्तान हैं? आप लेके जाएंगे? मेरी रिश्तेदार लगी है, मैं लेके जाऊंगा। भारत देश की नहीं, भारत देश की सरकार नहीं छोड़ सकती है। इससे पहले भी तो छोड़ा है, इससे पहले भी एक महिला आई थी आपको याद होगा, तो उसको भी तो छोड़ा था भाई। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी समझौता नहीं कर सकते, ये बात आप समझिए। हम अपने देश से अपने मुल्क से बेहद प्रेम कर सकते हैं, करते हैं। और हम आपको एक बात बताएं कि हम उस देश के नागरिक को क्यों स्वीकार करेंगे, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाने का काम करता है और उसके चाचा और भाई आर्मी के अंदर हैं, तो वो हमारे देश के जवानों के ऊपर गोलियां बरसाते हैं और हम उन्हीं के परिवार की बहन को अपने देश के अंदर लेकर आए, ये बताइए ना आप।